बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में दरभंगा की केवटी विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन के उम्मीदवार व राजद प्रत्याशी अब्दुल बारिक सिद्दीकी भी अपना नामांकन करने पहुंचे। बागमोर से शुरू हुआ नामांकन यात्रा समर्थकों व कार्यकर्ताओं के उत्साह से पटा रहा। वीर सिद्दीकी जिंदाबाद आदि नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। भीड़ का आलम यह था कि समाहर नाले के करीब जब कारवा पहुंचा तब कदम रखने तक की जगह नहीं बची थी। नामांकन के दौरान उनके साथ राजद के जिलाध्यक्ष राम नरेश यादव, मुस्लिम बेदारी कारवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम उनके साथ मौजूद रहे। नॉमिनेशन किया, मतलब भारत के नागरिक हैं और हमें अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो उसके तहत जो है पार्टी ने हमें निर्देशित किया, निमंत्रण दिया 86 केवटी विधानसभा का। तो अपने दायित्व का निर्वहन किया, हमने पार्टी के निर्देश का भी पालन किया और जो हमारा अधिकार है उसका उपयोग किया। सर, कौन सा ऐसा कार्य रह गया क्योंकि क्षेत्र में जो करना है? अब चूँकि आप वहाँ के इससे पहले भी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए आपने अब क्षेत्र का दौरा किया, क्या देखा है? नहीं, ऐसा है मतलब अभी तो हम जा रहे हैं, जनता मालिक है, जनता मौका देगी तो अली नगर से भी बेहतर ठीक होगा। क्षेत्र से आप नॉमिनेशन किया है? अभी तो हमने केवटी विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन। सर, एनडीए का आरोप है कि नौवा फैल जो है वो कैसे सरकार चलाएगी, कैसे सरकार विकास करेगी? एनडीए का आरोप है जो नौवा फैल जो है नेता कैसे सरकार चलाएगी? उनको उनको मालूम नहीं है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जो डिग्री से नहीं बल्कि अपने पढ़ने से, अपनी काबिलियत से, मतलब पूरे देश में सिक्का कायम किया। सब हमें बता रहे हैं, अब जैसे आप तो आगे बढ़ गए, पूछ ले नामा फेल, ये कौन बोला नामा फेल है? अरे बताइए ना, कौन बोले? शंकर प्रसाद जी बोले। हैं? शंकर प्रसाद। तो अगर उनको बैठा दीजिए, दोनों को एग्जाम दिला दीजिए और दोनों अगर पास करते हैं तो उनका डिग्री सीज कर लीजिए, फेल करते हैं तो। यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर भी तो अंडर ग्रेजुएट थे, तब क्या कहिएगा इसको? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अनुभव से बिना यूनिवर्सिटी गए, बिना स्कूल गए भी पढ़ने में रुचि रखते हैं और डिग्री प्राप्त कर लिए।